हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर फिट। जैसे कि हमने जब होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने पूछा था आज एब्स के वर्कआउट कब डाल रहे हैं, एब्स के वर्कआउट कब डाल रहे हैं। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं ऐप वर्कआउट करने वाला हूँ घर पे, एंड आई होप आज का वर्कआउट आपको बहुत पसंद आएगा। और आई गारंटी यू, अगर आपका फैट परसेंट प्रॉपर है और अगर आप ये वर्कआउट रेगुलरली घर पे करते हो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, देन आपको सिक्स पैक्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, साथ में फैट परसेंट कम होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। आज भी मैं आपको फाइव सिंपल एंड बेस्ट एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ फॉर योर एब्स, फॉर योर कोर टू डेवलप। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइज, मैं आपको पहले बता दूं कि जो आज हम फाइव एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो आपके कंप्लीट कोर को टारगेट करेगा, इवन द ऑब्लिक्स एंड द मेन कोर एज वेल, अपर एंड लोअर एब्स दोनों को हम टारगेट करेंगे। बहुत ही सिंपल एंड अच्छा वर्कआउट है, एंड एज यूजुअल फिनिशर देना है आपको, तो फिनिशर भी हम देंगे। एंड आई गारंटी यू, अगेन मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, फॉलो द वर्कआउट रूटीन दैट आई विल बी गिविंग यू टुडे, इट विल बी द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर कोर एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो आज के फाइव एक्सरसाइजेज में सबसे पहला एक्सरसाइज है द माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स इज एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर योर कोर एंड ऑल्सो टू बर्न फैट। रिमेंबर, एब्स लाना या एब्स को ट्रेन करना सिर्फ एब मसल्स को टारगेट करना नहीं होता है, ओवरऑल फैट भी कम करना होता है। तो माउंटेन क्लाइंबर्स विल हेल्प यू डूइंग दैट। उसके बाद आपको करना है क्रंचेस, जो नॉर्मल अपन हाफ क्रंचेस करते हैं वही करना है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज विल बी रिवर्स क्रंचेस। क्रंचेस जैसे आपके अपर एब्स को टारगेट करेगा, रिवर्स क्रंचेस आपके लोअर एब्स को टारगेट करेगा। देन आपके जो ऑब्लिक्स है उनके लिए हमने दो एक्सरसाइज रखी है। वन इज नी टू एल्बो टच, जिसमें आपको अल्टरनेटिवली नी को एल्बो से टच करना है। एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज द रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ऑब्लिक्स, जो अपने साइड के जो एब्स होते हैं उनको टारगेट करना बहुत ईजी होता है रशियन ट्विस्ट के साथ। एंड फाइनली देर इज अ फिनिशर, इट इज अ सरप्राइज अगेन, जैसे ये वर्कआउट रूटीन मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ये फिनिशर आपको करना है। वर्कआउट रूटीन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, दिस वर्कआउट रूटीन इज फॉर एवरीवन, दो यू मे बी एन बिगनर, यू मे बी एन इंटरमीडिएट, अगर आप एडवांस्ड हो डजेंट मैटर, आप एक लड़के हो या लड़की हो डजेंट मैटर, दिस वर्कआउट रूटीन विल बी फॉर एवरीवन। वर्कआउट रूटीन में सबसे पहले आता है वार्म अप, 1 मिनट आपको वार्म अप करना है, सेम जंपिंग जैक्स, हाई नी टैप्स, हॉप ऑन द स्पॉट, जो भी आपको पसंद है। मैं जनरली 20 सेकेंड्स करता हूँ तीनों के तीनों चीज। उसके बाद आपको करना है 30 सेकेंड्स का रेस्ट, लेकिन इस रेस्ट के टाइम आपको अगेन स्ट्रेच करना है, मसल्स को फ्री अप करना है बॉडी को। उसके बाद यू विल बी स्टार्टिंग योर वर्कआउट। वर्कआउट रूटीन में सबसे पहले हमने माउंटेन क्लाइंबर्स इसीलिए रखा है बिकॉज अगर आपका बॉडी इनकेस वार्म अप ठीक से नहीं हुआ है तो इस वर्कआउट के टाइम ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा, बिकॉज माउंटेन क्लाइंबर्स ऑल्सो पम्प्स योर हार्ट अप, तो आपकी जो हार्ट बीट्स है वो फास्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोर है वो भी टारगेट हो रहा है एंड साथ में आपका बॉडी भी वार्म अप हो जाएगा। सो आप अगर एक बिगनर हो, यू हैव टू डू दिस माउंटेन क्लाइंबर्स एटलीस्ट 40 रेप्स, तो ऑटोमेटिकली वो 20 रेप्स हो जाएगा एक लेग के लिए। एंड सेम आपको दो बार रिपीट करना है मिनिमम, अगर आप एक बिगनर हो तो भी आपको ये दो बार एटलीस्ट करना ही करना है, ईच लेग 20 फॉर 2 सेट्स। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो यू कैन गो फॉर 3 और मोर, अगर आप एक एडवांस्ड हो यू कैन गो फॉर 5 सेट्स। माउंटेन क्लाइंबर्स के बाद आपको करना है क्रंचेस, इसके बीच में आप रेस्ट ले सकते हो अपने हिसाब से मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड्स, एंड फिर ठीक लगे उतना आप ले सकते हो रेस्ट। उसके बाद जो आपको क्रंचेस करना है, क्रंचेस में ध्यान रखना है कि आपको फुल क्रंचेस नहीं हाफ क्रंचेस करना है, तो आपके जो अपर एब्डोमिनल मसल्स है वो प्रॉपरली टारगेट होंगे। एंड यू कैन डू दिस फॉर 20 रेप्स अगर आप एक बिगनर हो तो, अगर आप इंटरमीडिएट हो यू कैन गो टिल 30, अगर आप एडवांस्ड हो यू कैन गो टिल 40 रेप्स। अगेन ये भी आपको मिनिमम 2 सेट्स करने हैं, अगर आप बिगनर हो इंटरमीडिएट हो यू कैन गो फॉर 2 और 3 सेट्स, अगर आप एडवांस्ड हो यू कैन गो फॉर 5 सेट्स। ऑनेस्टली जब आप कोर टारगेट कर रहे हो तो आई डू नॉट रिकमेंड 5 सेट्स बिकॉज उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इंस्टेड यू कैन डू कंपाउंड एक्सरसाइजेज मोर, जिसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व साथ में हो जाता है।
टारगेट करना है कोर को, तो आप 2 or 3 सेट्स तक टारगेट कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हाफ क्रंचेस के टाइम आपके अपर एब्डोमिनल्स तो टारगेट हो गए, अब आपकी बारी है लोअर एब्डोमिनल्स को टारगेट करने के लिए। तो जैसे आपने हाफ क्रंचेस किया वैसे ही करना है रिवर्स क्रंचेस। ये इसका टोटली अपोजिट है। जैसे आपके अपर एब्स होंगे अभी वैसे ही आपके लोअर एब्स टारगेट होंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको देखने पे समझ जाएगा आपके लोअर एब्डोमिनल्स को आप कैसे टारगेट कर रहे हैं। बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो यू कैन डू दिस 20 reps 25 reps। अगर आप एडवांस्ड हो यू कैन गो टिल 40 reps एज वेल। बट जब आप सेट्स की बात आएगी तो आई वुड डेफिनेटली से वन थिंग ओनली, मिनिमम 2 सेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेट्स काफ़ी है। देर इज़ नो नीड टू गो फॉर 5 सेट्स। अगर आपको ज़्यादा इंटेंस करना है तो आप रेप्स बढ़ा दो एक टाइम के। जैसे हमने अभी तक जितना भी वर्कआउट्स देखा है, मेक श्योर दैट यू ब्रीथ प्रॉपरली। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टारगेटिंग योर कोर एंड ऑल द मसल्स ऑल्सो। एंड ऑल्सो एक और चीज़, रेस्ट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपका ब्रीदिंग है उतना इंपॉर्टेंट आपका रेस्ट भी है। एक और चीज़, सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लो। एंड लेट्स गेट बैक। अभी आपको टारगेट करना है आपके ऑब्लिक्स। ऑब्लिक्स के लिए आप पहले करोगे नी टू एल्बो टच। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट एक्सरसाइज है व्हेन इट कम्स टू टारगेट योर ऑब्लिक्स। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह आपको रिपीट करना है। यू हैव टू डू दिस एटलीस्ट फॉर 30 times 30 reps। आप इंटरमीडिएट हो, आप बिगनर हो यू कैन गो फॉर 25-30 reps। अगर आप एडवांस्ड हो यू कैन ट्राई फॉर 40 or more than 40 reps। सेम सेट्स के लिए 2 sets minimum 3 sets is what you can do maximum। अगर आपको करना है इससे ज़्यादा तो it's your call। And the final part of the workout, 5th exercise is the Russian twist। Russian twist is again for your oblique। If you are a beginner, you can do this 15-20 reps। अगर आप intermediate हो आप 25 से 30 तक कर सकते हो। अगर आप एक advanced हो you can go for 40 reps as well। Sets में you can do it this at least आपको 2 बार तो सारे sets repeat करने ही हैं तो properly आपके muscles target होंगे। और you can also do it for 3 sets as well। And here comes the part for which you are waiting for, the finisher। Again simple है finisher। यहाँ पे आपको plank करना है finisher के लिए। Plank आप सभी को already पता होगा कि कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो video में देख लो। You have to do this plank on your elbows and hold till failure। I would recommend the perfect time to hold the plank would be 60 seconds minimum। ज़्यादा हो गया अगर तो 30-40 seconds भी चलेगा, but जितना हो सकता है hold till failure। It is the best exercise for your core to end up with। I hope आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ऑलरेडी हमने 3 वीडियोज डाल दिए हैं रिलेटेड टू होम वर्कआउट सीरीज। एंड जैसे कि मैंने बताया था दैट वी आर अपलोडिंग 2 times a week नाउ। पहले हम सिर्फ ट्यूजडेज को अपलोड करते थे बट नाउ फॉर द होम वर्कआउट सीरीज वी आर अपलोडिंग 2 videos ताकि जल्दी से आपको वर्कआउट्स मिले एंड आप घर पे वो कर सको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो एंड वर्कआउट, बिकॉज अगर आप वर्कआउट ही नहीं करोगे तो इसका फायदा ही नहीं है। तो डू वर्कआउट एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग एंड कीप सेइंग वी आर फिट। ए रुक जा, तुमको क्या लगा कि हम ऐसे ही चले जाएंगे? सब्सक्राइब करो प्लीज़, शेयर करो प्लीज़, कॉमेंट करो प्लीज़, कीप वॉचिंग, कीप सेइंग वी आर फिट।